लगी हैं, साकर है, इधर हैं, यहीं से पानी निकाला जाता है, यहीं से बंद कर दिया जाता है। जब कोई आगे जैसे पुल वगैरह टूट जाता है, जब पानी का रुकाव होना होता है, ठहरना होता है, तो यहीं से यहाँ पे काफ़ी कर्मचारी वगैरह रहते हैं। इधर दूर तक इधर मैं आप बीच में काट देते हैं खांदी वगैरह, तो इस पर कोई प्रावधान नहीं, उसका उसका जो है उस पर मुकदमा लिखा जाता है, चालान होता है। अच्छा मुकदमा। अगर नमस्कार, मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज मैं इस समय बरेली में, एक लड़िया डैम पड़ती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में, जो शारदा नहर है उसकी मैं आपको डैम दिखाना जा रहा हूँ। यहाँ से बैगुल नदी का आगमन होता है, इधर से बैगुल नदी निकलती है, और इधर जो शारदा नहर है उसकी डैम है। मैं आपको आज डैम दिखाऊंगा। इधर देखिए, इधर ये जो इधर जूम करके दिखाई दे रहा कि जो नदी है इसमें इसमें पानी कम है। जब इधर नहर में पानी जो नदी से ज़्यादा होता है, तब इधर के जो गेट हैं जब ये खोल दिए जाते हैं। इधर देखिए, इसमें बड़ी बड़ी जंजीरें लगी हैं, और अंदर उधर देखिए आप, इसमें जो बहुत ये यहाँ से कुलड़िया डैम से निकलती है नहर, और ये आगे जाके इसका समापन आपको बता दूँ, ये जो शाहजहानपुर ज़िले में जाके वो काट कटरा काट होते हुए ये उसके बाद में शाहजहानपुर के आगे हरदोई जिला में ये गंगा जी में ये समापन इस नहर का हो जाता है। चारों तरफ देखिए, इसमें दर्गनी 1 2 3 4 5 6 मतलब ये फाटक लगे हैं। जब इधर से पानी इसमें बाढ़ का ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, तब ये नदी में छोड़ दिया जाता है, और इससे हमारे लोग जो खेती किसानी करते हैं उसी में इसका आगमन, इसका पानी का जो खेतों में पानी लगाया जाता है वो इसी नहर से लगाया जाता है, इसीलिए काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा होता है। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जो ये सड़क है ये नवाबगंज के लिए गई, एक लड़िया डैम बोली जाती है जहाँ पे शारदा नहर का प्रकोप है। इधर देखिए आप, चारों तरफ का आप दृश्य देखिए, यहाँ पे ये जो गेट हैं ये नहर के गेट हैं, जो शारदा नहर है देखिए इधर से, और इधर एक लड़िया के पास में गया इधर थाना, इधर देखिए नहर, ये काफ़ी दूर तक शाहजहानपुर आगे बताया, हरदोई के आगे जो गंगा जी हैं उसी में समापन हुई है। जरा इधर यहाँ पे गेट नीचे करके जरा गेट दिखाइए, जरा ये देखिए, ये जंजीरें होती हैं, यहाँ से पानी ये निकलता है, और इधर देखिए जरा यहाँ से यहाँ तक इसके जो गेट हैं ये नहर के हैं, इसमें नहर जो आप देखिए जरा इधर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए नहर, इधर ये नहर वो शाहजहानपुर के आगे हरदोई तक गई हुई है, ये वहाँ पे गंगा जी में मिली, यहाँ से यहाँ इस नहर में पानी छोड़ा जाता है। इधर देखिए, इससे काफ़ी देखिए ये जंजीरें लगी हैं, साकर है, इधर हैं, यहीं से पानी निकाला जाता है, यहीं से बंद कर दिया जाता है। जब कोई आगे जैसे पुल वगैरह टूट जाता है, जब पानी का रुकाव होना होता है, ठहरना होता है, तो यहीं से यहाँ पे काफ़ी कर्मचारी वगैरह रहते हैं। इधर दूर तक इधर मैं आपको अब ये बैगुल नदी है जो यहाँ से निकली है उसका मैं आपको दर दिखाऊंगा, जरा बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। इधर देखिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग की उन्होंने डिमांड की थी कि मुझे क्यूलड़िया जो शारदा नहर है उसकी डैम दिखा दीजिए, मैं वही आज आपको आया हूँ चल के। इधर देखिए, अभी जो बरसात कम हुई है, इधर बाढ़ कम है, तो ये नहर का पानी इधर ही नदी जो बैगल नदी बोली जाती है, इधर जरा दर है, इधर फाटक है, जरा इधर से आप दिखा दीजिए, जरा आगे मैं उतर के आ रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए आप इधर से देखिए, ये जो दर है आपको दिख रहे हैं, इधर से जरा पानी आ रहा है, और जो यहाँ पे लोग हैं ये मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, उन्होंने अपना जाल वगैरह बिछा दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 इसमें दर हैं, क्योंकि अभी पानी कम है, थोड़ा चल रहा है, नहीं तो ये पूरी जो नदी है ये पूरी भर के चलती है, और इसमें काफ़ी दूर तक पानी छोड़ा जाता है। और इधर देखिए आपको कि यहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हो गए हैं, और देखिए चारों तरफ यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इधर से इधर देखिए, बहुत यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, और चारों तरफ। और मैं अपने चाचा से, चाचा आपका क्या नाम है? रामदार। अच्छा ये बताइए, ये जी नहाए रहे यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह जैसे होता है तो यहीं से पानी बंद होता है इसका? हाँ यहीं बंद होता है। अच्छा, और देखिए मुझे और लोग मिल गए हैं, जरा एक लोगों से पूछताछ कर लूँगी, एक भैया मिल गए।
ये आपका क्या नाम है? विक्रम कुमार। अच्छा ये बताइए, जो पिलड़िया डैम ये नहर आपको पता है कहाँ तक गई है? ये तो नहीं पता। अच्छा। मतलब कहाँ पे मिली जाकर? इसका यहीं से शुभारम्भ हुआ, यहीं से निकलती है। हाँ। अच्छा भैया बता रहे यहीं से निकलती है, यहीं इसकी डैम है। आपको मैंने जो डैम दिखाई, यहाँ के जो नहर शारदा नहर के जो कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग, वो इस कोठी में रहते हैं, और मैं उनसे जानूंगा कि किस परिस्थिति में यहाँ पे पानी बंद करना पड़ता है, कब खोलना पड़ता है। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम राम दत्तन। अच्छा तो आपका पद कौन सा है? जमींदार। अच्छा जमींदार। तो ये पानी कौन सी स्थिति में ये बंद करना पड़ता है, कब ये खोलना पड़ता है? जी अधिक पानी होने, बरसात अधिक है, या कटिंग कोई अधिक बड़ी कटिंग होती है, तब खोलना पड़ता है, बगैर नहर में ही चलता है। अच्छा नहर में। अगर कोई जैसे पुल वगैरह पुलिया टूट जाती है तब आपको सूचना आती है क्या, कैसे पता? नहीं, मेरे सामने कोई पुलिया टूटी नहीं अभी तक। अच्छा कोई भी नहीं टूटी? जैसे कोई पुलिया बनती है वो आपके सामने हुई नहीं कभी? ना, जो बनी है वो नहर बंद पे बनती है। अच्छा बंद पे जी। और कोई जैसे कोई घटना हो जाए फिर आपको पानी बंद करना पड़े? नहीं, घटना होगी वो अधिकारियों के आदेश अनुसार होता है। अच्छा। जो भी वो वहाँ से होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता। यहाँ से कुछ नहीं। और आप भैया आपका क्या नाम है? हमारा रोहता। रोहता जी, तो आप इस नहर की जानकारी दीजिए। ये नहर मान लीजिए यहाँ से निकली है जो पिलड़िया डैम से, इसका कहाँ पे एंड हुआ जाती है? जी यहाँ से सजानपुर होती हुई हरदोई तक गई है। हरदोई तक। इसमें और भी छोटी छोटी बैराज निकली हुई है। तो इसमें मतलब जो किसानों को होता है उसे इनका कितना चार्ज देना पड़ता है पानी का? किसानों को चार्ज कुछ नहीं है, फ्री है इस समय। अच्छा फ्री है। हाँ। पहले बताते थे कि इसकी आमपासी वगैरह आमपासी पड़ती थी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने सब फ्री कर दी, सब माफ कर दी। हाँ। और जी जो लोग बीच में काट देते हैं खांदी वगैरह, तो इस पे कोई प्रावधान नहीं? उसका जो है उस पे मुकदमा लिखा जाता है, चालान होता है। अच्छा मुकदमा, अगर मौजूदा में अगर कोई पकड़ा जाता तो उस पे चालान और मुकदमा होता है। जिसकी जमीन में कटा हो। जी जी उसी के जमीन में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।